26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनाने का स्थान नहीं है। भारत पहले भी आजाद था और हमारे यहां अनेक रिपब्लिक भी थे और उन्होंने आगे भी जत्था व्यक्त किया, लेकिन अपनी ही गलत को हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक कैपिटल भी गवाया है। ऐसे में बाबा साहब ने देश को चेताते हुए पूछा कि हमें आजादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं? क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं? पीछे जा, पीछे। आज अगर बाबा साहब होते तो उनसे अधिक प्रसन्नता शायद किसी को होती, क्योंकि भारत ने इतने वर्षों न केवल उनके सवालों का उत्तर दिया है बल्कि अपने आजादी को, लोकतंत्र को और समृद्ध और सशक्त किया है। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी बीते 7 दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्ण रखने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। मैं विशेष तौर पर 130 करोड़ भारतवासियों के सामने नतमस्तक हूं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के प्रति आस्था को कभी कम नहीं होने दिया। हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना, गाइडिंग लाइट माना। संविधान के 70 वर्ष हमारे लिए हर्ष, उत्कर्ष और निष्कर्ष का काम मिला जुला भाव लेकर के आए। हर्ष ये है कि संविधान की भावना अटल और अडिग रही। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं तो देशवासियों ने मिलकर के उनको असफल किया है, संविधान पर आंच नहीं आ रही। उत्कर्ष इस बात को हम जरूर प्रतिष्ठा करते हैं कि हमारे संविधान के मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए। हमने तमाम सुधार